हेलो फूडीज, वेलकम टू कुकीज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल तवा पनीर फ्रैंकी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रीट स्टाइल तवा पनीर फ्रैंकी बनाने के लिए पहले हम बना लेते हैं फ्रैंकी मसाला। यहाँ मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर है, इसमें मैं मिक्स करूँगी ये चाट मसाला, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर। ये हमारा फ्रैंकी मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है मैंने, होल व्हीट फ्लोर। आप इसमें मैदा डाल के भी बना सकते हैं, आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। मैंने कम्प्लीटली यहाँ हेल्दी बनाने के लिए आटा ही यूज किया है गेहूं का। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसका आटा गूंथ लेते हैं, जैसे हम रोटी का बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। पहले देखिए सॉफ्ट डाउ लग चुका है, थोड़ा सा इस पे तेल डाल के हम मसल लेंगे एक बार। थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डालेंगे तो हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी, देर तक ये सॉफ्ट रहेगी। इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे, तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, 2 मिर्ची है और यहाँ लहसुन है 6 से 7 करी। सारी चीजें हमें ब्लेंडर जार में ब्लेंड करनी है, क्यूरी बनानी है। क्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम कुकिंग प्रोसेस करते हैं। गैस ऑन कर लिया है मैंने। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है, हम इसमें क्यूरी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे सॉटे करेंगे। इस क्यूरी को हमें ढककर 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। 4-5 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और ये है चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। स्पाइसेस डालने के बाद भी हम इसे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ग्रेवी थिक हो चुकी है, हम इसमें पनीर डाल देंगे। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। जैसे हम धनिया डाल देंगे इसमें। देखिए अच्छे से कुक हो चुका है, अब मैं सॉल्ट डाल दूंगी इसमें और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पनीर का स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम आटा एक बार गूंथ लेते हैं और हम इसकी रोटी बनाएंगे फ्रैंकी के लिए। देखिए रोटी रेडी है, अब हम इसे सेक लेते हैं। पैन गरम है, मैंने रोटी डाल दी है, इसे हम अच्छे से सेक लेते हैं। थोड़ा सा घी या बटर लगा लें, हल्का सा इस तरह से लाल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हो चुके हैं हमारी ये फ्रैंकी, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। फ्रैंकी असेंबल करते हैं। पहले यहाँ लगाएंगे ग्रीन चटनी, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम इसमें फ्रैंकी मसाला। अब हम डालेंगे स्टफिंग। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे केचप।
इस पे हम रखेंगे थोड़े सैलेड्स। मैंने यहाँ ऑनियंस कट कर लिए हैं, कैप्सिकम, टोमेटोस, और हम लास्ट में थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी, तो जरूर ये फ्रैंकी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैंने और थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल किया है फ्रैंकी का, अब इसे हम फोल्ड करेंगे।